नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सरायकेला पुलिस ने कांड संख्या 69/2022 मामले के अभियुक्त संजय सरकार को एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि कांड का प्राथमिकी अभियुक्त कादिर खान भागने में सफल रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO हरविंदर सिंह ने बताया कि 23 जनवरी के दिन करीब 1 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि कांड संख्या 69/2022 के प्राथमिकी अभियुक्त कादिर मोमिन एवं उसके सहयोगी किसी घटना को अंजाम देने के नियत से सरायकेला आने वाले हैं, जिसकी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चडरी बॉर्डर पर चेकिंग चलाई गई। चेकिंग के दौरान करीब 2 बजे कांड्रा की ओर से काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, उस पर 2 लोग सवार थे। सशस्त्र बल के सहयोग से रोकने का प्रयास किया गया, मगर दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति गिर गया, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम संजय सरकार बताया, जो आदित्यपुर के मांझी टोला बैंक कॉलोनी का रहने वाला है। वहां से भागे हुए व्यक्ति के संबंध में पूछने से उसने बताया कि उसका नाम कादिर मोमिन है, जो कि बीते 22 जून 2022 को चडरी मोड़ पर अपराध कर्मी कालिम खान पर हुए हमले में शामिल था। गिरफ्त में आए संजय सरकार ने भी उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, साथ ही अन्य अपराध कर्मियों के संबंध में भी जानकारी दी है। SDPO हरविंदर सिंह ने बताया कि अब उस कांड के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश तेज की जाएगी। शहर को लगभग 1 बजे के आसपास सरायकेला थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कांड संख्या 79/22, जिसमें कि कलीम खान, जो जिनको गोली लगी थी चडरी बॉर्डर पे, उनके जो अभियुक्त हैं वो शायद इस क्षेत्र में आकर कुछ घटना को प्लान करने, अंजाम देने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन एवं की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम चेकिंग कल लगाई गई चडरी बॉर्डर पर, और वहीं पर देखा गया कि एक बाइक, अपाचे बाइक पर, जो जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, 2 बाइक सवार आ रहे हैं। अच्छा, क्राइम चेकिंग देखने के बाद वह अचानक से घबरा कर बाइक घुमा के भागने लगे। उसी में जो है भागा दौड़ी में चेज जो किया उनको, उसमें जो पीछे जो बैठा था व्यक्ति वो वहाँ पे गिर गया और संभव उसको हम पकड़ पाए, एंड जो दूसरा आदमी था वो भाग गया। जिसको पकड़ाया है जो व्यक्ति, उसका नाम संजय सरकार है, और इसने 79/22 में अपनी कांड में संलिप्तता भी स्वीकार की है। इनके पास से एक कट्टा बरामद हुआ है, एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ है, और इन्होंने ये बताया जो इनका साथी भागा है उसका नाम कादिर मोमिन है। ये जो पकड़ाया व्यक्ति संजय सरकार है, ये आदित्यपुर मांझी टोला का रहने वाला है, और जो भागा है कादिर वो नीमडी थाना का रहने वाला है, और दोनों ही जो है कलीम पर जो गोली चलाई गई थी उसमें मौजूद थे और इनकी कांड में एक्टिव संलिप्तता थी। इन्होंने अपने बाकी साथियों के नाम भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब इस उस कांड की उद्भेदन अब जबकि हो गया है, अब क्लू मिल गया है हमें कि किस दिशा में काम करना है, तो अब हम आगे उसमें और जल्दी इसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके बाकी लोगों को गिरफ्तार करके वो केस को भी हम जल्दी चार्जशीट करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।